हेलो स्टूडेंट्स यार, आज है 21 अक्टूबर। तो जस्ट लाइक CUET एनालिसिस करते हैं सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का कि भैया किसका पोर्टल ओपन हुआ किसका नहीं हुआ। विश्व भारती यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन हो चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का देखेंगे इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करके। इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से अपडेट आ चुका है रजिस्ट्रेशन का, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो भी UG वाले बच्चों के लिए जो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे यहाँ पे, तो उसके लिए अपडेट आ गया है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस कि भैया कैसे आपका एडमिशन होने वाला है। इसके लिए जो है यार, आपको एक डिटेल के अंदर वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो, जो भी आपके इंटीग्रेटेड कोर्स थे, आपके मिनिमम जो मार्क्स है वो 35 होने चाहिए, ओके। क्वालिफाई पेपर्स के अंदर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और ये सारे के सारे कोर्सेस हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद की वेबसाइट पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या सारा सीन है एडमिशन का। तो यार, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट नोटिस 16 सितंबर को 16 तारीख को आया रिगार्डिंग द CUET स्कोर कार्ड। इसके बाद इसकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है एडमिशन के रिगार्डिंग, ओके। उसके बाद हम चलते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की ओर। तिरुपति यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है, कब इसका जो एडमिशन ओपन होगा। यार, CUET UG से रिलेटेड एक एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एंड कंपेन कमेंट के अंदर, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो आप हमारे CUET एडमिशन गाइडेंस प्लान में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपकी हेल्प करते हैं टू गेटिंग द एडमिशन कि भैया हमारा एडमिशन कैसे होगा, कौन कौन से जस्ट लाइक कैसे हमको डोमेन चूज करने है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या सारा प्रोसेस है। कंप्लीट के अंदर डिटेल के अंदर एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। गूगल मीट पे क्लासे होती है, 24 घंटे लाइव सपोर्ट आपको मिलता है टू गेटिंग द एडमिशन। तो यार, उस प्लान के अंदर आप लोग जो है ज़रूर इनरोल कर सकते हो। ज़्यादा कोई प्राइज नहीं है, इंडिया के अंदर सबसे कम अफोर्डेबल प्राइज के अंदर हम जो आपकी CUET की काउंसिलिंग लेकर आए हैं। तो जो है, जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट हो या फिर जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं रियल के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, वो जो है ज़रूर से जाके इनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो जस्ट यार, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का क्या सारा सीन है, जैसा कि देख सकते हो इसका जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो विंडो है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है रिगार्डिंग द एडमिशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तेजपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सिक्किम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का देखते हैं क्या सारा अपडेट दे रखा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके। गाइस, इसकी तरफ से भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मुझे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो कॉलेज आता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पांडिचेरी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, नॉर्थ हिल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। नागालैंड यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं इसका क्या सारा सीन है। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो BTech वगैरह के रिगार्डिंग एडमिशन ऑलरेडी रनिंग है। यहाँ पे BEd BSc वगैरह के रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो सीटें वैकेंट है, अभी यहाँ पे जो काउंसलिंग चल रही है स्पेशली जो भी इनकी बेसिस पे जो भी काउंसलिंग्स होती है, ओके। फिर अपन आगे बढ़ते हैं यार अदर काउंसिल कॉलेजों के लिए। तो हमारा आता है मिजोरम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटियों का क्या सारा सीन है उसका भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो गाइस यार, ये है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट और इसके रिगार्डिंग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, क्या सारा शेड्यूल वगैरह है तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो CUET के रिगार्डिंग देख सकते हो शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है, हर कोर्सेज के लिए अलग अलग है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो लिस्ट है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे अगर अपन CS की बात करें BTech की, तो ये देख सकते हो फर्स्ट जो लिस्ट है वो आएगी यार 3 अक्टूबर को, और सर्टिफिकेट्स है, फीस पेमेंट 15 से 16, राइट। तो इस प्रकार से चल रहा है इसका सारा सीन। उसके बाद आता है यार हमारे बापू का यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका क्या सारा सीन है जो कि आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस, इसका एडमिशन का क्या सारा सीन है, जैसे कि देख सकते हो लिंक एक्टिवेटेड सून CUET एडमिशन प्रोसेस का, जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे अपडेट दिख रही है।
उसके बाद यार हमारा आता है महात्मा गांधी, ये जो भी है हिंदी विश्वविद्यालय, इसका क्या सारा सीन है यार। जो भी बच्चों जिनको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं है कि भैया कैसे फॉर्म फिल होता है, हमको तो सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर हम फोन सपोर्ट प्लान लेकर आए हैं। ज़रूर से जाके नीचे गूगल फॉर्म को फिल करिए यार, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जस्ट अगर आप अपने आप पे कुछ इन्वेस्ट करोगे देन लोग जस्ट लाइक गूगल पे, अभी अगर आप अपने एडमिशन पे थोड़ा कुछ खर्च करोगे ना तो थोड़े दिनों बाद गूगल पे लोग आपका नाम सर्च करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। आपको भी लगता है कि आपका ना भी नाम लोग गूगल पे सर्च करें, देन आप सीयूटी एडमिशन गाइडेंस प्लान ले सकते हो, ठीक है, जिससे के अंदर आपका जो एडमिशन है वो आसानी से हो जाए और आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है जिसके अंदर हम आपको पर्सनली बात भी करते हैं। परिवेश में जाएंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है भाई, हिंदी विश्वविद्यालय है ना, तो गाइस यहाँ पे यार देख सकते हो पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो पोर्टल लिंक, माय गॉड, सो गाइस देख सकते हो यार पोर्टल का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन भी बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है, कैसे रजिस्टर करना है वो जाके मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिगार्डिंग क्या अपडेट है भैया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जामिया के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, गुरु घासीदास जीजीयू बिलासपुर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, साउथ बिहार के स्टार्ट है, राजस्थान के स्टार्ट है, उड़ीसा के स्टार्ट है गाइस। उसके बाद यार केरला के स्टार्ट, कश्मीर के स्टार्ट, कर्नाटका के भी स्टार्ट है, झारखंड के भी स्टार्ट है, जम्मू हिमाचल प्रदेश के भी स्टार्ट है, हरियाणा के स्टार्ट हो चुके हैं, गुजरात के स्टार्ट हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश के स्टार्ट हो चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल आंध्र प्रदेश के स्टार्ट है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, असम यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट है नहीं। इसके साथ यार हमने इंडिया का सबसे बेस्ट सीयूईटी एडमिशन गाइडेंस प्लान लॉन्च किया है, जो कि सबसे एकदम चीपेस्ट प्राइस के अंदर है। आपका जो पूरा एडमिशन है वो ओनली फॉर फोन सपोर्ट प्लान आपको वो ओनली फॉर 1999 रुपये में मिल जाता है, जिसका जो अदर काउंसलर से आपसे 10,000 20,000 लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं एडमिशन के लिए। बेसिकली जो है डोमेन का सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक डेफिनेशन देने के लिए, कॉल करने के लिए आपसे हज़ारों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। हम आपका पूरा का पूरा जब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए फ़ोन सपोर्ट प्लान दे रहे हैं ओनली फॉर 1999 रुपये में। काउंसलिंग सपोर्ट भी आप ले सकते हो, मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान भी आप ले सकते हैं, जिसका जो वीडियो के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज़रूर से जाके ज्वाइन कीजिए अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने करियर के प्रति अगर आप बस लाइक थोड़े से भी सतर्क है, जागरूक है। उसके साथ ही एक सीयूईटी यूजी से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यार उसको भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।